नमस्कार, आप देख रहे हैं पूछता है उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। ग्राउंड जीरो पर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम पहुंची हुई है और आज हम बाजपुर में हैं। बाजपुर की विधानसभा सीट और यहां का इतिहास वैसे तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन बाजपुर का जिक्र आज मुद्दा आपके में मैं क्यों कर रहा हूं वो आगे आपको बताऊंगा। बताऊंगा कि पूछता है उत्तराखंड में आज सवाल उत्तराखंड कांग्रेस से है। ना सिर्फ उत्तराखंड कांग्रेस से बल्कि सवाल बीजेपी से भी है, और सवाल उन बागी नेताओं का जो आया राम और गया राम की स्थिति में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। मसले सीधे तौर पर सियासी नजरिए से जुड़े हैं, बात सीधे तौर पर वार और पलटवार के इतर अब दल बदलने पर हो चुकी है। किसी को टिकट चाहिए तो दल बदल, कोई नाराज है तो सीट छोड़ने के लिए तैयार है। सबसे पहले आज के किस्से का जिक्र करते हैं। सुरेश गंगवार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया ने हाल ही में एक खबर ब्रेक की थी कि कुछ नेता कांग्रेस के टच में हैं। सुरेश गंगवार की वापसी सितारगंज में सवाल खड़ा कर रही है। खबरें ये हैं कि सुरेश गंगवार की वापसी से पूर्व विधायक कांग्रेस के नेता नारायण पाल नाराज हैं। नारायण पाल कौन? जो टिकट के दावेदार हैं। ऐसे में गंगवार साहब की वापसी कहीं ना कहीं कांग्रेस के घर में बगावत की टेंशन लेकर आ सकती है। इतना ही नहीं, बाजपुर का आप किस्सा सुनिए। बाजपुर की तस्वीरें तो मैं आगे आपको दिखाऊंगा। बाजपुर में रविवार को यशपाल आर्य के विरोध में, कौन यशपाल आर्य? पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस के धुरंधर, वैसे कांग्रेस में वापसी कर चुके, पहले बीजेपी में चले गए, बागी हुए थे, गाजे बाजे के साथ उनकी वापसी करवाई गई। बाजपुर उनकी विधानसभा सीट रही। अब ऐसे में इस सीट पर उनका खुलकर विरोध हो रहा है, जबरदस्त विरोध हो रहा है। यशपाल आर्य अपनी सीट भी बदल सकते हैं इस विरोध के चलते। ना सिर्फ उनका विरोध हो रहा है बल्कि उनके बेटे जो विधायक हैं उनकी सीट में भी कांग्रेस के स्थानीय नेता खुलकर विरोध कर रहे हैं। विरोध के सुर अब सुनाई दे रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस के लिए कितनी बड़ी टेंशन का सबब है घर वापसी कर रहे नेता। कांग्रेस ने द्वार खोल रखे हैं कि आइए और कांग्रेस में शामिल हो जाइए, पुराने दर्द को, पुराने जख्मों को भूल जाइए। लेकिन अब सवाल यही कि आखिरकार कांग्रेस आया राम गया राम की स्थिति में कैसे अपने घर को संभाल पाएगी, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। पहले प्रदेश अध्यक्ष का बयान सुनिए, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कुछ कह रहे हैं, और फिर बाजपुर की तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा जहां पर यशपाल आर्य के विरोध में सैकड़ों नहीं हजारों नेता, हजारों कार्यकर्ता, अब किसके थे किसके नहीं आप खुद तय करिएगा, लेकिन सड़कों पर दिखाई दिए। यशपाल आर्य का विरोध हो रहा था जमके, यशपाल आर्य वापिस जाओ के नारे लग रहे थे बाजपुर की सड़कों पर। लेकिन पहले जरा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। जिस जिले में कांग्रेस पार्टी को ऐन चुनाव के वक्त एक अहम बढ़त की आवश्यकता थी, ऐसे में उस क्षेत्र के बहुत ही गणमान्य नेता, बहुत ही विश्वसनीय नेता, लोगों में जिनकी बैठ है, ऐसे घर घर से आम आदमी से जुड़े हुए नेता श्री सुरेश गंगवार जी और उनकी धर्मपत्नी बहन रेणु गंगवार जी, जो कि जिला पंचायत की सम्मानित अध्यक्षा हैं, अपने तमाम जिला पंचायत साथियों और तमाम प्रधानगणों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रही हैं। मैं कांग्रेस परिवार में आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपका। जनपद उधम सिंह नगर को हमने एक तराई का हमारा गुलदस्ता है जिसमें हर तरह का फूल है। वहाँ पर फूल का मतलब इन द सेंस हर वर्ग वहाँ रहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे राय सिख हो, चाहे बंगाली हो, चाहे बुक्सा हो, चाहे थारू हो, चाहे किसी वर्ग का व्यक्ति, हमारे तराई का एक गुलदस्ता है जनपद उधम सिंह नगर। हमने उस गुलदस्ते को और उस फूल को पालने के लिए एक माली की तरह काम किया है, और उसके माली के रूप में, और जो बगीचे के मालिक हैं वो आदरणीय
हमारे पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्या और पूरे सूबे के जो मुखिया रहे जिनके नेतृत्व में हमने राजनीति सीखी है, आदरणीय श्री हरीश रावत जी, मेरे बड़े भाई हरिंदर लाडी जी, बबलू और मतीउर रहमान जी, हमने उस गुलदस्ते की खुशबू को महकते महकते देहरादून से क्या दिल्ली तक उसकी महक को पहुंचाना और महक को हमेशा कायम रखना। बता दें कि सीमा डोरा जुड़ चुकी हैं जो कि बीजेपी का चेहरा है, साथ ही साथ राजू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। कुछ ही देर में कांग्रेस के चेहरे भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात उत्तराखंड के सियासी दुर्भाग्य की करूंगा। ये सियासी दुर्भाग्य ये कि जब भी चुनाव आते हैं और चुनाव से पहले ऐसे ही नेताओं के दल बदलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। ये मसला सिर्फ और सिर्फ गंगवार परिवार तक सीमित नहीं है। इस परिवार का मैं जिक्र करूं क्योंकि ये राजनीतिक परिवार, ये किस्सा तो उत्तराखंड के इतिहास से जुड़ा है जहां पर सदन के भीतर नेता बागी हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं, पाला बदल लेते हैं और जनता का दुर्भाग्य ये या सौभाग्य कि वही नेता चुनकर भी सदन में आते, वही नेता जो बागी हो जाते हैं पहाड़ की सीट से मैदान की तरफ प्लान करते हैं लेकिन फिर भी वो चुनाव जीत जाते हैं। वो कहते हैं हम पलायन रोकेंगे और खुद का पलायन कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। अब मैं तस्वीरें जो आपको दिखा रहा हूं और अपने सहयोगी, क्योंकि मैं चाहूंगा कि सीमा जी के पास जाऊं और राजू जी के पास, उससे पहले मैं अपने सहयोगी से चाहूंगा कि ये फुल फ्रेम जरा स्क्रीन पे दिखाएं ये तस्वीरें। और इन तस्वीरों का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं क्योंकि ये तस्वीरें बाजपुर की तस्वीरें। अब देखिए भीड़ देखिए और भीड़ में नारे लग रहे हैं यशपाल आर्य वापिस जाओ, यशपाल आर्य वापिस जाओ। बाजपुर विधानसभा जहां से उन्हें चुनाव लड़ने का मन है मगर संकेत यह है कि वो चुनाव नहीं भी लड़ सकते, दूसरी सीट पर तलाश रहे हैं यमकेश्वर या सोमेश्वर। लेकिन ये तस्वीरें वाकई में संकेत दे रही हैं कि यशपाल आर्य के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। मैं सीमा जी आपके पास आना चाहूंगा, ये उत्तराखंड का सौभाग्य या दुर्भाग्य है? चुनाव आया, दल बदल शुरू हो गया, सौभाग्य या दुर्भाग्य आपको क्या लगता है? ये किसी भी स्टेट के लिए सौभाग्य नहीं हो सकता, ये दुर्भाग्य होता है कि बरसाती मेंढक की तरह इस तरीके के नेता इधर उधर जाते रहते हैं और राजनीति को इतना क्रूर बना देते हैं। कहते हैं ना, सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी पर डूबेगी नहीं। तो इस तरीके की अगर सच्चाई होगी तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन अगर इनके अंदर सच्चाई नहीं है, ये लोग जनमानस की भावनाओं को साथ तो खिलवाड़ कर जाते हैं। और ना तो ये राजनीति में आते हैं इसलिए ताकि ये लोगों की सेवा कर सके, समाज सेवा मानव सेवा से इनको कोई लेना देना नहीं। ये सत्ता में सिर्फ इसलिए आते हैं कि इनको राज्य करना है। जहां सत्ता बागियों की है, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ सर। जब आप उनके बारे में बात करोगे, मैं जब आप उनके बारे में बात करोगे किसी का नाम लेकर, तो मैं जरूर डूब रही थी 2016 में किसकी नाव डूब रही थी? देखिए, हमारे पास अगर आएंगे तो हम अपनी शर्तों पे ही काम करवाते हैं। हमारे पास अगर भारतीय जनता पार्टी में आएंगे तो उनको उन्हीं की शर्तों पे काम करना पड़ेगा और अगर वो नाराज हो जाते हैं तो वापस चले जाते हैं। उदाहरण दूं मैं आपको, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं, जिनका विरोध हो रहा है सड़कों पर, जिनका विरोध हो रहा है, जिन तथाकथित बड़े नेता जो कभी प्रदेश अध्यक्ष थे, कभी स्पीकर भी थे और कैबिनेट मंत्री भी रहे, उनका विरोध उन्हीं के कार्यकर्ता सड़कों पर कर रहे हैं। मैं ये जानना चाह रहा हूं आप किस मैं उन्हीं का उदाहरण दे रहा हूं आपको। वो आए थे जब आपके बागी नेता बागी हुए थे, उसके बाद उनकी एंट्री हुई थी, एक रात में एंट्री हुई, सुबह बेटे को टिकट भी दिलवा दिया उन्होंने, अपनी तो टिकट ले ली। वो अपनी शर्तों पर आए थे या आपकी शर्तों पर आए थे? बेटे को टिकट दिलवा दिया था उन्होंने, गलत बोल रहा हूं मैडम? नहीं, गलत नहीं आप बोल रहे हैं, लेकिन वो क्योंकि हमारे संगठन के साथ जुड़ के काम नहीं कर सके, उनको हमारी कंडीशंस पे काम करना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग तो बहुत ही साफ सुथरी राजनीति करते हैं। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी मैडम उत्तराखंड में होती तो ये दल बदल की सियासत होती नहीं। राजू मौर्य, मैं गलत बोल रहा हूँ? ये उत्तराखंड की सियासत में हो क्या रहा है? आया राम गया राम, जब आओ यहाँ आ जाओ, कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, जो कांग्रेस वही बीजेपी, जो बीजेपी वही कांग्रेस। बिल्कुल ऐसा नहीं है, अगर बीजेपी सबको सुन रही होती। देखिए सीमा जी, मैं आपकी बात को सुन रहा था, अब मेरी बारी है, थोड़ा मैं ही बोल लूं। देखिए सुभाष जी, आपने बहुत सुंदर कहा कि वही बीजेपी वही कांग्रेस, तिलक चावला जी, जब वही लोग कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं तो वो सौभाग्य हो जाता है, लेकिन जब वही लोग भाजपा से कांग्रेस में जाते हैं तो वो दुर्भाग्य हो जाता है। भाजपा दोहरा चरित्र,
उत्तराखंड राज्य के अंदर जितना दल बदल भारतीय जनता पार्टी के अंदर हुआ या पूरे देश के आप नक्शे पर अगर नजर डालेंगे तो सबसे ज्यादा दल बदल तोड़ फोड़ इस राजनीति को अगर बढ़ावा दिया किसी ने तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। और वास्तव में मेरी बहन कह रही है, बिल्कुल सही कह रही है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, इस प्रकार की राजनीति से जनता ऊब चुकी है। आज उत्तराखंड की जनता क्यों विकल्प तलाश रही है? अगर आज आम आदमी पार्टी की बात करें, अगर विकल्प बनने की बात आ रही है सामने, तो क्यों आ रही है? क्योंकि इस प्रकार से दल बदल। जी जी राजू जी, आप परिवर्तन की बात कर रहे हैं ना, आप तीसरे विकल्प की बात कर रहे हैं जी। सामने आपके जल पड़ा है, जल है सर। हाँ बिल्कुल सर, जल लीजिए। बिल्कुल जी, जल लीजिए सर, हाथ में जल लीजिए। मैं आपसे एक प्रतिज्ञा लेना चाहूंगा, आपकी मर्जी, आप लीजिए या ना लीजिए, ये जल लीजिए और बोलिए कि कांग्रेस और बीजेपी के कोई भी बागी नेता आएंगे तो हम आम आदमी पार्टी में शामिल नहीं। देखिए नहीं, बहन जो कह रही है, बिल्कुल आम आदमी पार्टी एक भी दागी आदमी को, जो भाजपा का हो या कांग्रेस का, कितना ही बड़ा नेता क्यों ना हो, कितना ही बड़ा क्यों ना नेता क्यों ना हो, अगर वो आम आदमी पार्टी में नहीं आएगा, नहीं आने दिया जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, और मैंने 5 दिन पहले भी ये गारंटी थी, कांग्रेस के नेता जुड़ जाए तो मैं बताऊंगा। मेरे पास तो सूत्र थे कि हरीश रावत की नाराजगी की वजह सिर्फ और सिर्फ वो पोस्टर नहीं है, मेरे पास सूत्र थे कि 3 नेता कांग्रेस के रडार में आ चुके हैं और वो बीजेपी के बड़े नेता है तथाकथित, जिस बात को लेकर नाराजगी हुई, दिल्ली में मीटिंग हुई। मैं तभी आपसे कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी के टच में भी एक बड़ा नेता है। देखिए हमने कहा, प्रतिज्ञा लीजिए बिल्कुल, मैं प्रतिज्ञा, देखिए मैं प्रतिज्ञा इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हमें अरविंद केजरीवाल जी की कार्यशैली पर भरोसा है। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया कि एक भी दागी व्यक्ति जिस पर आम आदमी पार्टी ने ये कहा हो कि ये भ्रष्टाचारी है, उसको आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे लोगों को ना लिया जाएगा ना कोई जगह है। हाँ, ये जीत जाएंगे चुनाव, बागी को लेंगे नहीं, दागी को लेंगे नहीं। जब आपको बागी और दागियों की जरूरत पड़ गई, ये चुनाव जीत जाएंगे बिना दागी और बागियों के। बताइए सीमा जी, थोड़ा सिखाइए राजनीति। ये तो वैसे भी फ्री की राजनीति करते हैं, तो फ्री में तो जो भी इनके पास आएगा ये सब ले लेते हैं और देते भी है। फ्री की राजनीति, फ्री की राजनीति करते हैं। आपके पास फ्री में नेता नहीं आते, फ्री में ये ले लो, फ्री में ये ले लो, फ्री में वो ले लो, सब कुछ करते हैं नेता, फिर बाद में लूटेगा ना इनको। तो वैसे भी कांग्रेस ने भी क्या, लूट लो तो आप भी वही पद चिन्हों पर चलती है, भारतीय जनता पार्टी में लूट चलती नहीं है। सीमा जी, फ्री में नेता नहीं आते, आप जानते हैं। 2016 में फ्री में आए थे क्या नेता? पार्टी में लूटपाट चलती नहीं है तो फिर क्या करें? अच्छा, यशपाल आर्य जी की बात कर रहे थे, उनका विरोध क्यों नहीं होगा आप बताइए? जो वहाँ के जो कार्यकर्ता थे वो 5 साल से तैयारी कर रहे थे उनकी सीट पे, अब वो अचानक अपनी सीट पे वापस आ जाएंगे तो कार्यकर्ता नाराज तो होगा ना, जिसका ये अच्छा। हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ रहे थे कि भाई हम लोगों ने कराया ये सब, तो उनकी अपना विरोध है उनकी सीट पे, पक्का होना भी चाहिए विरोध इस तरह के नेता का जो चला जाए और जो 5 साल तक वो अच्छा। दूसरा आदमी वहाँ तैयारी करते रहा, फिर अचानक यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर हरक सिंह रावत जाते हैं तो उनका विरोध होना चाहिए, सुबोध उनियाल जाते हैं तो उनका विरोध होना चाहिए, तथाकथित नेता जो बात है किसी की नहीं है, मैं जनरल बात कर रही हूँ, मैं आप जब चले जाते हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही हूँ, चाहे वो कोई भी हो, अगर आप चले जाएंगे तो दूसरा भी तो प्रिपेयर करेगा ना उस सीट के लिए, तो वहाँ तब तो परेशानी होगी ना, वो किसी और के लिए परेशानी होगी। तब आपको पीड़ा नहीं हुई थी जब बागियों को आपने रातों रात टिकट दे दिया था, वो बेचारे कार्यकर्ता जो दरी और झंडा उठा रहे थे, आपका डंडा उठा रहे थे, जो कांग्रेस मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, उनका क्या हुआ होगा मैडम, सोचा आपने कभी? देखिए कांग्रेस ने जो देश का बुरा हाल कर रखा था वहां पे हमें स्टेबिलिटी चाहिए थी, हमें लाना था उत्तराखंड में बीजेपी को, और अपनी शर्तों पे हम इनको लेकर रहते कि भैया यहाँ पर जो भी होता था भ्रष्टाचार वो नहीं होगा, और हुआ भी नहीं। इनमें से किसी ने भी भ्रष्टाचार नहीं किया। सुरेश गंगवार जी गए हैं कांग्रेस में, उससे कुछ फायदा होगा कांग्रेस को, गंगवार परिवार? ये उनका अपना सोच है और जनता पार्टी के जो जनता है वो भी जानती है कि इस तरीके के लोगों को क्या हम टिकट देंगे, या टिकट मिल जाएगी इन लोगों को तो क्या हमको जिताना चाहिए, ये अब लोगों के ऊपर है, और पढ़े लिखे हाँ। लोग सब समझते हैं, उनको फायदा हो ना हो ये भी जनता के राजू मौर्य जी क्यों कितना हुआ? जी जी राजू मौर्य जी वो कह रहे हैं कि जनता के ऊपर निर्भर करता है, अगर हम कदम उठाते हैं तो उठा लेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनता तय करे कि उनको नेता पसंद है या नहीं। बिल्कुल ये तय जनता करेगी कि उसको नेता पसंद है या नहीं। मेरी बहन ने कहा कि आम आदमी पार्टी फ्री की राजनीति करती है, हम हर वो सुविधा जो एक मंत्री एक विधायक को मिलती है वो थोड़ी थोड़ी आम आदमी पार्टी तक पहुंचाएंगे। दुर्भाग्य ये है कि अगर मोदी जी कहते हैं फ्री वैक्सीन तो वो सही है, हम कहते हैं थोड़ी सी बिजली फ्री मिल जाए वो गलत है, हम कहते हैं अच्छी शिक्षा अच्छे स्वास्थ्य जनता को फ्री मिलना चाहिए वो गलत है। यानी जो भाजपा दे तो वो तो सही होता है फ्री,
जो केजरीवाल जी दे वो गलत हो जाता है। ये कौन सी डेफिनेशन कहां से लाते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करी है भाजपा के प्रवक्ताओं ने, ये समझ में नहीं आता। अगर आम आदमी को कोई राहत मिल रही है होना चाहिए सर, खाली शिक्षा और स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए, बाकी कोई भी सुविधा नहीं, नहीं तो फिर तो वैक्सीन क्यों फ्री होनी चाहिए, तो वैक्सीन क्यों फ्री, नहीं वैक्सीन क्यों फ्री, वैक्सीन क्यों फ्री बताइए ना, मेरी बात वैक्सीनेशन क्यों, राशन 5-5 किलो देकर आप फ्री दे रहे थे, क्यों दिया राशन फ्री, फिर राशन क्यों फ्री दिया फिर आपने, चलो बोल लीजिए फिर आप मुझे टाइम दीजिए, मेरा ये नहीं, बिल्कुल आपका जब अवसर आएगा बोलिएगा ना, भाजपा कोई भी चीज करती है वो फ्री दे, बहुत अच्छा मोदी जी ने बहुत बढ़िया कर दिया, मोदी जी ने तो फ्री दे दिया, इतना सारी चीजें दे दी, जनता का हक था, ये जनता का हक है मैडम। राजू ये फ्री वाली सियासत पर मैं अलग से डिबेट कर चुका हूँ, जिस दिन आपको आमंत्रित करूंगा इस पर फिर चर्चा करेंगे, फ्री क्या कुछ कुछ है और क्या फ्री नहीं है, और फ्री के जाल में क्या कुछ आप लोग बुनते हैं सियासत के लड्डू, वो भी मैं बताऊंगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था कि भाजपुर में विरोध देखिए यशपाल आर्य का, और ये विरोध अपने आप में संकेत देता है कि इस बार जनता जो है किसी और मूड में बैठी हुई है। सीमा जी देखिए आपको नहीं लगता, मैं आ रहा हूँ राजू जी, आ रहा हूँ, ये तस्वीरें तो वही संकेत दे रही है। जी मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि ये चीजें बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये फूट डालो की राजनीति अब बंद हो जानी चाहिए, ये अंग्रेजों का समय था, क्यों कर रहे थे 2016 में, इम्प्लीमेंट कर रही है, तो 2016 में कांग्रेस का यही उसूल है, मैंने आपको अभी बोला कि कांग्रेस का ने इतना भ्रष्टाचार कर रखा था पूरे देश में कि देश को सही राह पे लाना था। कौन सा भ्रष्टाचार मैडम, मोदी जी ने जो नंबर गिनवाए थे परेड ग्राउंड में, स्कूटर के नंबर गिनवाए थे जिनके लिए परेड ग्राउंड में, स्कूटर के नंबर याद होंगे मैडम आप, स्कूटर के नंबर, वो स्कूटर के नंबर वालों को वहां पे शामिल कर लिया। नहीं आप बताइए, आप ना आप अभी तो आप गंगा जल की बात करते हैं, आप भी दिल पे हाथ रखे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी ने आके देश हित में काम किया या नहीं किया, आप बता दीजिए। मैं आप आपकी बहुत रिस्पेक्ट इसलिए करते हैं क्योंकि आप मुद्दे की बात करते हो, और आज आप मुद्दे की बात करके मुझे ये बताइए क्या कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार था, क्या बीजेपी के टाइम में भ्रष्टाचार है, क्या देश आगे नहीं बढ़ा, क्या रक्षा हो या मेडिकल हो देश आगे नहीं बढ़ा, क्या मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिली जो जरूरत थी, एक्चुअल जो जरूरत थी। अगर आप ये कहते हो कि नहीं ये सब गलत है तो मैं अपने सारे शब्द वापस ले लेती हूं। अटल जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी बात को रखूंगा, अटल जी को जी गौर रखिएगा और बात की लकीर को काट दीजिएगा। आपने मेरे से सवाल पूछा, वैसे सवाल पूछने का अधिकार मेरे पास था, अगर आपने ये सवाल पूछ ही लिया, जिस नीति और नियत का आप जिक्र कर रहे हैं, काश खंडूरी जी के सपने को त्रिवेंद्र सिंह रावत पूरा कर देते लोकायुक्त को लाके, इसका एक ही उत्तर है कि जिस दिन वो ये कह देते कि हाँ लोकायुक्त की जरूरत है क्योंकि खंडूरी जी का सपना था मैं पूरा करूंगा, तो काश ये सवाल पूछने का अधिकार आपके पास होता, अगर वो लोकायुक्त के लिए आते। बहुत कुछ है और भी बहुत कुछ है, अगर तीरथ जी ये सपना पूरा कर देते और वो ये ना कहते मुख्यमंत्री होते हुए, मैंने 5 बार सवाल पूछा दिल्ली में उनसे लोकायुक्त की जरूरत है आपको, वो बोले मैं भ्रष्टाचारी नहीं हूं तो लोकायुक्त की क्या जरूरत, फिर खंडूरी जी क्या भ्रष्टाचारी थे, तो सवाल अपने आप में अपने बड़ा है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि ये दल बदल की सियासत से उत्तराखंड का भला होता है। राजू जी माननीय दल बदल उत्तराखंड के अंदर जिस वक्त विजय भोंगड़ा मुख्यमंत्री थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार को लेकर इतना विरोध किया, विधानसभा सत्र आपको याद होगा, विधानसभा सत्र के अंदर सारे इनके वरिष्ठतम जितने नेता हैं, और यहां तक कि मोदी जी भी अपनी रैलियों में कहते थे कि जो उत्तराखंड और भारत का सबसे बड़ा शत्रु विजय भोंगड़ा है जिसने दाऊद इब्राहिम को बेल दी, आज वो पाक साफ होकर भारतीय जनता पार्टी में बैठा है। अगर भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात करती है भारतीय जनता पार्टी और दल बदल को गलत मानती है, तो पहले उन लोगों को बाहर भेजे जिनको दल बदल करके अपनी पार्टी में लेकर के आई। तो बड़ा एक सवाल है भारतीय जनता पार्टी पर कि आखिर दल बदल की शुरुआत करने वाली पार्टी आज कहती है कि दल बदल गलत है, तो वही है 100 बिल्ली चूहे खाकर हज को चली, वही बात होगी। अच्छा आप ये कह रहे हैं कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, सीमा जी मानते हैं आप, क्या बोल रहे हैं ये 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। देखिए अगर हमने ये कहा होता कि बिल्ली ने चूहे खा लिए होते, हमने तो खाने ही नहीं दिए ना किसी को चूहे, बिल्ली हमने उनको लिया जरूर लेकिन हमने करप्शन नहीं करने दिया, प्रॉब्लम ये हुई तभी तो वो गए वापस, करप्ट लोगों को लिया वापस गए, अगर अगर नहीं बिल्कुल नहीं, हमारे सिद्धांतों पे जो भी आएगा हमारे पास वो इसलिए आएगा क्योंकि उसको जनमानस की सेवा करनी है, अगर जनमानस की सेवा नहीं करनी तो भारतीय जनता पार्टी भी कोई स्थान ले ही नहीं सकता। राजू जी को बताइए कौन सा गंगा जल है जिससे पवित्र हो जाते हैं नेता, एक कमल छाप साबुन आता था पहले, कमल फूल का एक साबुन,
हाँ वो साबुन आता था, वो अभी वो बाजार में अब नहीं आता, भाजपा के पास स्टॉक भरपूर है उसका। नर्सरी घोटाले के आरोपी इनके यहाँ अभी मंत्री हैं। इस्तेमाल किया क्या कमल छाप? नहीं हमने नहीं किया, बचपन में किया था एक बार, ऐसा खराब लगा के दोबारा नहीं कर पाया। नहीं नहीं हम भाजपा ही नहीं है, मैं बहुत करते हो, हम तो राज्य आंदोलनकारी है। नहीं लेकिन सुनिए, नर्सरी घोटाले और बीज घोटाले के दो आरोपी जिनको आरोप भाजपा लगाती थी, वो लोग आज भाजपा के अंदर हैं। तो अगर साफ सुथरी राजनीति की बात करते हैं या भ्रष्टाचार मुक्त भाजपा की बात करते हैं, एनएच घोटाला नहीं मैं नर्सरी घोटाला और बीज घोटाला की बात कर रहा हूँ। बीज घोटाले की बात, मुझे लगा आप कुंभ घोटाले की बात कर रहे हैं, मुझे लगा आप 56 घोटालों की बात कर रहे हैं, फिर 156 घोटाले। ऐसे घोटाले आते रहते सर उत्तराखंड में, कोई घोटाला वोटाला नहीं हुआ, कोई नेता कोई अंदर हुआ क्या, है ना सर? वो दुर्भाग्य है। आरोपी आरोप लगाने वाले ये लोग हैं, हमने नहीं लगाया उस समय, हम लोग राजनीति में नहीं थे कह सकते हैं आप, लेकिन उस समय भाजपा राजनीति में थी, भाजपा विपक्ष में थी और भाजपा के आरोप लगाए हुए हैं ये कि हरक सिंह रावत ने बीज घोटाला किया, सतपाल महाराज ने नर्सरी घोटाला किया, ये भाजपा के लगाए हुए आरोप बता रहा हूं मैं आपको, ये हमारे द्वारा लगाए हुए आरोप नहीं है। और आज वो लोग भाजपा में, सीमा जी आरोप लगे होंगे, सिद्ध हो जाते तो उनको जरूर उनके ऊपर एक्शन लिया जाता, नहीं सिद्ध हुए प्रूव नहीं भी होंगे तो सरकार आपकी थी, सिद्ध तो आपको करना था, आप कीजिए, आज डालिए जेल में उनको, आपके आरोप है, मंत्री भी आपके हैं, इन्वेस्टिगेशन चल रही है, इन्वेस्टिगेशन पे जब आ जाएगा रिजल्ट तो हो जाएगा उसके लिए, अभी तो कोई आपके सामने कुछ आया नहीं। आपको लगता है यशपाल आर्य भ्रष्टाचारी है? मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ डायरेक्ट उनको कोई भ्रष्टाचार नहीं कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि जब हमारे यहाँ संगठन ही महत्वपूर्ण है, संगठन जो कहता है संगठन के लिए हम जीते हैं, संगठन के लिए हम काम करते हैं, लेकिन जो वो लोग जिस जगह से आते हैं वहां संगठन नहीं, इनके यहाँ तो अपनी ढपली अपना गाना, सबकी अपनी अपनी ढपली बजती रहती है कांग्रेस में, तो वो आ गए, अब उनको नहीं यहाँ पर समझ में आया कि भाई हमारी अपनी नहीं चल सकती, तो चले गए वापस, अब वहां पे उनका विरोध हो रहा है तो ये उनको जाने, और वो अपने साथ औरों को लेकर जा रहे हैं, तो वो भी वो नहीं चलती। क्यों नहीं चलती? संगठन महत्वपूर्ण, तो आपने कहा कि चली चलते, अगर 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 नेता सही है तो वो संगठन के आगे रखेगा ये बात कि भाई शेष नेतृत्व के आगे कि ये हमारा काम है, हम ये करना चाहते हैं, अगर सही हुआ तो जरूर उसको इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा। नेताओं के इंटरव्यू किए सीमा जी, कांग्रेस के हर नेता ने पता क्या कहा, 10 विधायक हमारी रडार पर, कोई कहता है कि 20 विधायक हमारी रडार पर, आप आचार संहिता लागू होने दीजिए फिर देखिए कितने विधायकों की फौज आएगी, ये तो आना शुरू हो चुकी है यशपाल आर्य के बाद से, उनका भी बेटा आ गए और फिर उसके बाद सुरेश गंगवार की भी एंट्री हो गई और कुछ नेताओं की एंट्री, कुछ आप लोगों का भी प्लान है कि नहीं कि नो एंट्री है? सर ऐसा अभी कोई प्लान नहीं है और ना ही ऐसा कुछ सूचना हमारे पास आई है इस तरीके की, लेकिन आगे इस बार बागियों को नहीं ले रहे आप, इस बार नहीं ऐसा हमारा कोई हमारा इरादा नहीं है। इस बार क्यों ऐसा, क्यों इस बार क्यों नहीं ले रहे आप? देखिए जो वही फिर से वही बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों में जो चलेगा उसी वही आ सकता है भारतीय जनता पार्टी में, वरना अच्छा भारतीय जनता पार्टी के अच्छा चैंपियन साहब चल रहे हैं आजकल भारतीय जनता पार्टी के, चैंपियन साहब हुआ था, अपनी अलग भी नहीं चला पाते हैं। है मैडम कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं, अब बिल्कुल चलते तो संगठन के साथ ही है, संगठन से अलग तो नहीं चल पाते, संगठन से अलग नहीं चल पाते। राजू जी आप मुस्कुरा रहे हैं, फाइनल कमेंट जल्दी से। अभी कुछ दिन पहले उमेश शर्मा काऊ का इनके संगठन के पदाधिकारियों से नोक झोंक का वीडियो खूब वायरल हुआ था, ऐसे तमाम वीडियो वायरल हो रहे हरक सिंह रावत जी के उद्घाटन समारोह में, तो इन लोगों की संगठन का आरोप है कि विधायक उनकी सुनते नहीं है, ऐसे में भी भाजपा उनको पचा रही है, उनको अपने साथ लेके चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप फूट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने वो वाले वीडियो नहीं देखे हरक सिंह रावत के, वो मुस्कुराते हुए वीडियो धामी जी के साथ, जैसे हम लोग रामलीला में करेक्टर देखते थे ना, कैमरा लगाया जाता था और फिर कहते थे कि मुस्कुराओ हंसो जोर जोर से, वो कुछ वैसा दिखाई दिया, लेकिन फिर भी आपने देखा नहीं, मुझे लगता है देखा नहीं, नहीं आपने देखा, कैसे मान गए? मैं देखा वो प्रेशर पॉलिटिक्स, शायद कुछ उनको अपनी बात मनवानी होगी, होगी कोई उनकी। आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली से सीबीआई और ईडी छोड़ दिए गए थे इसलिए हरक सिंह रावत डरने वालों में से नहीं है सर, जूते की नोक पे रखते हैं मंत्रालय को, आपको मालूम ही नहीं इसका मतलब? मुझे मालूम है वो कहा था, धारी देवी उन्होंने कहा था, जब हरीश रावत जी जब मुख्यमंत्री बन रहे थे तो कांग्रेस में उन्होंने ये बात कही थी कि मंत्री पद तो मेरे जूते की नोक पे रखा, और वही लोग सत्ता के मोह में आज भाजपा के अंदर हैं, और भाजपा के अंदर भी वो परेशान है इस बात से कि जाए तो जाएगा। नहीं नहीं
राजू जी आप झगड़ा करवा रहे हैं, आपने इसका मतलब हरक सिंह रावत जी की और मुख्यमंत्री जी की तस्वीरें नहीं देखी मुस्कुराते हुए हंसते हुए? मैं बिल्कुल देखी मान्यवर, रात पता लगा था कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया और सुबह देखा कि वो डाइनिंग टेबल पर मुख्यमंत्री जी के साथ छोटा भाई बताते हुए बहुत हंस के ठाके लगा रहे। वो सुपनखा वाली हंसी थी, राक्षसी हंसी है, सुपनखा और राक्षसी हंसी बोलते है ना जो जब रामलीला में होती थी। नहीं 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 सर, माननीय यशस्वी मंत्री हरक सिंह रावत जी के बारे में मैं ऐसे शब्द नहीं सुन सकता, आप सुन पा रही हैं? माननीय हरक सिंह रावत यशस्वी भावी मुख्यमंत्री उत्तराखंड जी, भावी मुख्यमंत्री तो आप नहीं कह सकते अभी क्योंकि कुछ ऐसा है मैडम, आप ऐसा मत बोलिए, लेकिन हाँ सपना है, लेकिन हाँ बनना है, मुख्यमंत्री बनना है। सपना देखिए, सपना देखना सबको अच्छा लगता है और देखना भी चाहिए सपना, और अगर उनके भाग्य में होगा, कहते हैं राजनीति तो भाग्य का खेल है, भाग्य में होगा तो बनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आपको दिख रहा कि वो मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब कर रहे। मैं बताऊं, महाराज सिंह जी को मैं बहुत पर्सनली जानती हूँ, बड़े सेंसिटिव इंसान है, बहुत ही सेंसिटिव, अगर वो कैबिनेट में उनकी बात नहीं सुनी तो वो फट से नाराज हो जाएंगे, वो वैसे चाहे वो कांग्रेस में हो तो भी, वो पर्सनल अपनी लाइफ में हो तो भी, वो बहुत ही सेंसिटिव जैसे था, वो चले गए नाराज हो गए, अपनी फैमिली में रहते हुए नाराजगी हो जाती है, मान ली गए, या तो उन्होंने कोई स्टेटमेंट्स दे दी होंगी सबके सामने, तब आप बताइए कि बीजेपी के खिलाफ कोई स्टेटमेंट्स दे दिया आपस में हुई पटाख से, वो मान ली गया, दूसरे दिन उन्होंने बिना किसी स्टेटमेंट के वापस जा रही है कांग्रेस की तरफ, ये क्या संकेत दे रही है? भीड़ क्या है, दो लोग ही तो, दो लोग गए, जो आ रहे जी गए तो अपने साथ लाए हुए लोगों को भी तो लेके ले जाएंगे जो उनके खास थे। अच्छा। मंत्री बस तो कोई नहीं क्या? राजू जी फाइनल कमेंट जी, मान्यवर मैं यही कहूंगा जो उत्तराखंड है बीजेपी है वही कांग्रेस है, जो कांग्रेस है वही बीजेपी है, यानी बीजेपी कांग्रेस। बिल्कुल बिल्कुल, और इस बार 2022 का जो चुनाव होगा ना वो इतना दिलचस्प होगा, आम आदमी पार्टी जो करिश्मा दिल्ली में दिखा चुकी है इस तरह की राजनीति को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी आ चुकी है उत्तराखंड में, बहुत जल्द इस सब चीजों का साफ होगी, जनता तय करेगी दल बदल करने वाले नेता चाहिए या साफ सुथरी छवि। आप इनके वीडियो की बात कर रहे थे, आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है, देखा आपने वो? कौन सा? वो कोई सीमा जी बता रही थी कोई लड़कियों वाला वीडियो वायरल हो रहा है, देखिए उसमें कुछ दिख रहा है, आपने भी देखा होगा, आपने ऐसा कुछ भी कह सकते हैं आप, अगर कोई व्यक्ति निकल रहा है किसी कोई साउंड हो, मैं देखा है, बिल्कुल देखा है जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है, या तो कोई साउंड हो, कोई विजुलाइज कुछ चीज स्पष्ट हो रही हो, कुछ भी नहीं है ऐसा, ये तो भाजपा आईटी सेल की खिचड़ी है, कोई अगर चोर चोरी कर रहा होगा और साउंड नहीं होगी तो उसको मानेंगे नहीं हम लोग। ओके सीमा जी, कैमरे जो लगे होते हैं, मुझे उम्मीद है कि माननीय यशस्वी आपकी इस पार्टी के भावी मुख्यमंत्री के दावेदार, उनको अपनी जो है इस पूरे मसले को लेकर सफाई देनी चाहिए, लेकिन वो क्यों खामोश है ये भी अपने आप में सवाल है। थैंक यू सो मच, ये है उत्तराखंड की सियासत, जहां आया राम और गया राम, ग्राउंड जीरो पर उत्तराखंड में न्यूज वर्ल्ड इंडिया टीम की मौजूदगी, उन तमाम विधानसभा सीटों का निचोड़ लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लगातार किस्सा कुर्सी का भी जारी है, और 1,00,000 सब्सक्राइबर पहुंचने वाले हैं, आप सभी के प्यार से हम उस लक्ष्य को बहुत जल्द हासिल करने वाले हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उत्तराखंड की सियासत के नजरिए से आया राम गया राम कितना सही कितना गलत, अब आप लोगों को तय करना है, क्योंकि ये इतिहास गवाही देता है कि ऐसे नेताओं की फौज हर बार चुनाव में इधर और उधर होती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।